दोस्तों, मैं जीशान आरिपुर, आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज की इस वीडियो में जानेंगे आप किस तरह पैन कार्ड की एजेंसी ले सकते हैं, पैन कार्ड की सेंटर ले सकते हैं, वो भी अच्छी फास्ट सर्विस के साथ, अच्छी कमीशन के साथ आप ले सकते हैं, जहां में आप 3 दिन के अंदर पैन कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीख लेंगे पूरी चीज विस्तार से, किस तरह आप पैन कार्ड की एजेंसी ले पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, आपको सिंपली जाना एक कंपनी की वेबसाइट पे easypen.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप कंपनी के वेबसाइट पे आ जाएंगे, easypen.in की वेबसाइट पे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम इनके द्वारा जो सर्विस है, सारे सर्विस यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगी। उसके बाद इनके कितने क्लाइंट है, कितने सर्विस, कितने ब्रांच है, वो सब आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, इस पे रजिस्टर करना सिखाते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन, रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा ऑनर नेम, मतलब आप किस नाम से सेंटर लेना चाहते हैं, अपना नाम देंगे। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर देंगे, आधार कार्ड का नंबर देने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड के नंबर देंगे, आधार कार्ड नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड की नंबर देनी होगी, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करना होगा मोबाइल नंबर को, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देना होगा, जो भी आपका वैलिड ईमेल आईडी होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको दुकान का नाम देना, जो भी आपका दुकान का नाम होगा, शॉप का नाम, सेंटर का नाम, वो देना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपका स्टेट, आप किस स्टेट से, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है यूजर, आप रिटेलर बनना चाहते हैं या चैनल पार्टनर, जो भी बनना चाहते हैं आप यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे रिटेलर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका जो पिन कोड होगा, एड्रेस का पिन कोड जो होगा वो पिन कोड देंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा फुल एड्रेस देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड शो कर देगा, ये पासवर्ड आपका हो जाएगा, इस पासवर्ड को आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, ये सब डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सिक्योर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सिक्योर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक दिखा रहा है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉग इन। यहाँ कह रहा है अकाउंट आपका सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पे जो आपको पासवर्ड शो कर रहा था ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप लॉग इन कीजिए। उसके बाद फिर से इस पोर्टल पे आना है, कंपनी की वेबसाइट पे, उसके बाद यहाँ पे यूजर लॉग इन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे आपका यूजर आईडी मांगा जाएगा, या यूजर आईडी में आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, और यहाँ पे वो पासवर्ड जो आपको वहाँ पे दिखने को मिला होगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है या आपने नोट नहीं किया होगा, तो यहाँ पे आप फॉरगॉट पासवर्ड करके आप उसे फिर से फॉरगॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईडी, अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड मिला वो पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद सिक्योर लॉगिन पे आपको क्लिक, तो जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरी चीज सर्विस, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विस मिल जाता है, क्या सर्विस मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसको यूज करने से पहले आपको यहाँ पे जो चार्ज दिया जा रहा है, मतलब आपको चार्ज पे करना होगा 500 रुपये, जो कि रिटेलर चार्ज आपको मिलने वाला है। ये 500 में आपको पैन कार्ड की सेंटर मिल जाएगी, एजेंसी मिल जाएगी, साथ साथ आपको प्रिंट, मतलब आधार प्रिंट और वोटर आईडी कार्ड का प्रिंट का जो सर्विस है वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अभी इनकी तरफ से ऑफर चल रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे 500 रुपये में आपको NHDL और UTI की पैन कार्ड की एजेंसी भी मिल जाएगी, और इसके साथ साथ आपको आधार प्रिंट, वोटर आईडी कार्ड प्रिंट की भी पोर्टल आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे 500 पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने का मेथड जाएगा। यहाँ से आप डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, और वॉलेट से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे फोन पे, पेटीएम वगैरह, जिससे भी आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत बड़ी ही आसानी से। तो चलिए, मैं आपको UPI से पेमेंट भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे UPI को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो UPI की एड्रेस होगा आपको, वो अपना एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको UPI एड्रेस देना, UPI एड्रेस दे देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला है पेनो, तो पेनो के बटन पे क्लिक करेंगे, और आपके UPI पे एक, जो जिसका भी आपने UPI दिया होगा, फोन पे, गूगल पे, जिसका भी UPI दिया होगा, उस पर आपको एक कंफर्म करने के लिए एक मैसेज मिला होगा, आप वहाँ से कन्फर्म करेंगे और वहाँ से आपको पेमेंट कर देना होगा। तो दोस्तों, जैसे अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका डैशबोर्ड। तो पेमेंट अप्रूवल करने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस पे काम करने के लिए आपका जो पासवर्ड होगा उसको चेंज करना होगा। उसके लिए यहाँ पे माय अकाउंट पे आएंगे,
यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे वो पासवर्ड चेंज करना होगा और यहाँ पे आपको एक न्यू पिन बनाना होगा। तो जो भी आपका करेंट पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड देना, जो भी न्यू पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैंने न्यू पासवर्ड एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे चेंज पासवर्ड पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका। मैंने अपने मनपसंद का एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें एक ट्रांजेक्शन पिन भी सेट करना होगा। जो भी हम ट्रांजेक्शन पिन रखना चाहते उस पिन को यहाँ पे, तो यहाँ मैंने ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पे इंटर कर दिया, उसी पिन को यहाँ पे री एंटर किया, कन्फर्म किया। उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब मेरा पिन, तो जैसे यहाँ पे आप पिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा पिन भी चेंज हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डैशबोर्ड पे चला, यहाँ पे सर्विस सबसे पहले आपको मिला, यूटीआई की पैन कार्ड की सर्विस मिला और एनएचडीएल की भी आपको पैन कार्ड की सेंटर मिल रहा है। दोनों की सर्विस आपको मिला, जिससे आप करना चाहे उससे आप कर सकते हैं। अगर आप यूटीआई से बनाते हैं तो आपको 7 रुपये कमीशन मिलेगा, अगर आप एनएचडीएल से बनाते हैं तो आपको 5 रुपये कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो NHDL से आप बनाते हैं तो 5 रुपये कमीशन मिलेगा, UTI से अगर पैन कार्ड बनाते हैं तो 7 रुपये कमीशन मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर ID भी मिल सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर ID अगर आप लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप संपर्क करना होगा, इनके टोल फ्री नंबर जो उन पे आपको संपर्क करना होगा। वहाँ से आपको अभी ऑफर चल रहा है जिसमें 2020 यानी कि 2020 रुपये में आपको ये सेंटर मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटर ID, जिसमें आप अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हैं और आपको उसके साथ साथ आधार प्रिंट की भी सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में भी मिल जाएगी फ्री में। ठीक है, तो पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे NHDL से बनाएंगे तो NHDL पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन और यहाँ पे CSF मतलब सुधार भी आप कर सकते हैं। न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना, ये छोटा सा फॉर्म है, ये फॉर्म को सिलेक्ट फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका रसीद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपको, तो डॉक्यूमेंट आपको अभी भेजने की जरूरत नहीं है, आप 3 महीना में एक साथ आपने आपके पास जितना भी कंपनी का पैन कार्ड का फॉर्म होगा सारा आप भेज सकते हैं एक साथ। लेकिन आपका पैन कार्ड 10 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाएगा और 3 दिन के अंदर आपके मेल पे बन के आ जाएगा। और सबसे खास बात इसमें आपको ये मिलने वाला है अच्छी सर्विस, आपको वॉलेट में रुपया ऐड करने के लिए कंपनी के अकाउंट में या किसी अदर पर्सन के अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर नहीं करना होगा, आप खुद से अपने वॉलेट में रुपया ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वॉलेट का ऑप्शन मिला, वॉलेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट ऐड मनी पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ भी जो आप रुपया ऐड करेंगे इसमें आपको जितना रुपया ऐड करेंगे उतना ही रुपया आपको कटेगा, 1 भी रुपया आपका ना कोई ट्रांजेक्शन फीस ना कोई GST कुछ नहीं कटेगा। 107 रुपये ऐड कीजिएगा, 107 रुपये ही आपके अकाउंट से कटेगा और 107 रुपये आपके वॉलेट में आएगा जितना आप ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट गेट वे ट्रांजेक्शन चार्ज 0%, यहाँ पे 1 भी रुपया आपको नहीं लगेगा। यहाँ पे जितना ऐड करना चाहते वो करेंगे और इंसेंट ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप से बैंकिंग डिटेल मांगी जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट करके अपने वॉलेट में तुरंत रुपया ऐड करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कंपनी के अकाउंट में भी रुपया भेज के करवाने के लिए तो यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप पैन कार्ड की सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब टोटल सर्विस की बात करते हैं तो UTI की पैन कार्ड की सेंटर मिल जाती है, NHDL की पैन कार्ड की सेंटर मिल जाती है, रिचार्ज मिल जाता है, यूटिलिटी मिल सकता है और यहाँ पे अपना पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे खास बात जो मिलने वाले, जो कि आपको किसी भी पोर्टल पे नहीं मिलेगा, कि मतलब आपको सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जा रहा है। अगर आपकी दुकान पे कोई भी बंदा आए और आपसे कहे कि आप पैन कार्ड बनाते हैं, आपके पास आप पैन कार्ड बनाते हैं, आपके पास पैन कार्ड की सेंटर है, तो आप प्रूफ दिखाइए, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं दिखाने के लिए, इस सर्टिफिकेट को अपनी दुकान पे लगा सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे आपको कमीशन की भी लिस्ट मिल जाती है, क्या कमीशन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको प्रोफाइल माई प्रोफाइल भी मिल जाता है और यहाँ से आप किसी भी तरह के हेल्प डेस्क ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां से आप पैन कार्ड बनाते हैं, अगर NHDL से बनाते हैं, आपको 5 रुपये कमीशन मिलता है जो कि आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा। अगर आप UTI से पैन कार्ड बनाते हैं तो आपको 7 रुपये कमीशन मिलेगा।
और ये आपको पैन कार्ड की डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ 3 महीने पे डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो आपका पैन कार्ड यहाँ से बहुत जल्दी बहुत आसान तरीक़े से 3 दिन में बन के रेडी हो जाएगा, और 3 दिन में आपके मेल पे पैन कार्ड आ जाएगा, और आपके एड्रेस पे 10 दिन के अंदर पैन कार्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो भी आप पैन कार्ड बनाएंगे, अगर वो किसी कारण से यहाँ पे कितना पैन कार्ड बनाए हैं आप वो दिखाएगा, और कितना आपको होल्ड लगा है मतलब किसी भी कारण से, और यहाँ पे आपका बैलेंस शो करेगा टोटल, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी शो करेगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बैलेंस जो भी आपको बैलेंस होगा वो आपको दिखने को मिल जाएगा। तो कंपनी कैसा, बहुत अच्छा कंपनी, अगर आप इसका एनएचडीएल सेंटर लेना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया पूरी विस्तार से रजिस्ट्रेशन से लेकर पैन कार्ड तक का, तो आप उस तरह ले सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले सकते हैं, जिसमें अभी ऑफर चल रहा है, 2020 रुपये में आपको अनलिमिटेड आईडी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल रहा है, और साथ साथ आपको आधार प्रिंट की भी पोर्टल फ्री में मिल रही है, बिल्कुल फ्री में। अगर आप रिटेलर आईडी लेते या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते, कोई भी आईडी लेते हैं, तो उसके साथ साथ आपको आधार प्रिंट की और वोटर आईडी कार्ड की प्रिंट की पोर्टल बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। तो यहाँ पे आप आएंगे पैन इसकी पोर्टल पे, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड ट्रैक भी कर सकते हैं, स्टेटस भी देख सकते हैं, और यहाँ पे सर्विस वगैरह, यहाँ पे आपको डाउनलोड का भी एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे कि यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाता है, मतलब न्यू का और कनेक्शन का साइज का फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी कंपनी है, हम आपको सजेशन देते हैं आप इस कंपनी के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाए, और अपनी दुकान को डिजिटल दुकान और पैन कार्ड की सर्विस जरूर दे। दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते करते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ फिर एक नई वीडियो में। लाइक करते करते